नमस्कार, मैं भीमाराम चौधरी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। डियर स्टूडेंट्स, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर के समाजशास्त्र विभाग के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम बीए पार्ट थर्ड के सेकेंड पेपर सामाजिक मानवशास्त्र को पढ़ रहे हैं, और इससे पहले के जो वीडियो है उसमें हमने समाजशास्त्र के इस सेकंड पेपर सामाजिक मानवशास्त्र की पहली यूनिट को पढ़ा है, और उससे पहले हमने आदिम अर्थव्यवस्था के भी कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए थे। कुछ टॉपिक उसके अपूर्ण हैं जिनको कंप्लीट करना है हमें। उसी के साथ आदिम अर्थव्यवस्था का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आदिम अर्थव्यवस्था में अब तक हमने आदिम अर्थव्यवस्था का अर्थ, उसकी परिभाषा, आदिम आर्थिक विकास के स्तर, आदिम अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इन सब चीज़ों को पढ़ा है, और आदिम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण सामाजिक मानवशास्त्रियों ने किस तरह किया है उसको भी पढ़ा है। अब हम आदिम अर्थव्यवस्था की जो क्रियाशीलता है, यानी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ प्रिमिटिव इकोनॉमी, यानी कि आदिम अर्थव्यवस्था किस तरह काम करती है उसको समझने का प्रयास करेंगे। डियर स्टूडेंट, अर्थव्यवस्था मानव की आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करने वाली एक व्यापक व्यवस्था का नाम है, जिसके अंतर्गत उत्पादन, वितरण, उपभोग सहित सभी आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसके जीवन स्तर को ऊपर उठाना, जीवन की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, उसका समग्र संतुलित विकास सुनिश्चित करना होता है, उसे एक इंसान के रूप में समग्र रूप में विकसित करना अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। इसकी सभी तरह की ज़रूरतों की पूर्ति करती है अर्थव्यवस्था। डियर स्टूडेंट, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर उत्पादन है, वितरण है, उपभोग है, ये मुख्य घटक होते हैं। उसी तरह जो आदिम समाज की जो अर्थव्यवस्था है या आदिम अर्थव्यवस्था है, उसकी भी क्रियाशीलता के मुख्य आधार हैं, उनमें श्रम विभाजन, उत्पादन, वितरण और उपभोग, ये चार मुख्य आधार हैं। और कोई भी जो अर्थव्यवस्था होती है वह अपने सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, उनका अस्तित्व सुनिश्चित करती है। आदिम समाज में तो ये मुख्य रूप से होता ही है, क्योंकि आदिम अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य ही जीवन निर्वाह होता है, उसमें लाभार्जन के लिए उत्पादन या संकलन नहीं किया जाता है। आदिम समाज के सदस्यों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनके शारीरिक अस्तित्व को बनाए रखना, उनके मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना, ये आदिम अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य होता है। और इसके माध्यम से ही वो वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, उनका वितरण करते हैं, उनका उपभोग करते हैं, और यह सारा काम श्रम विभाजन के माध्यम से होता है। श्रम विभाजन का सरल शब्दों में अर्थ है किसी भी समाज, व्यवस्था या संगठन द्वारा उसमें किए जाने वाले कामों को उसके सदस्यों में बांट देना। तो समाज भी अपने सदस्यों में काम का आवंटन कर देता है, काम को बांट देता है, इसे श्रम विभाजन कहते हैं। आदिम जो समाज है उसकी जो आर्थिक व्यवस्था है, आदिम अर्थव्यवस्था है, उसकी क्रियाशीलता का एक प्रमुख आधार श्रम विभाजन भी है। श्रम विभाजन मुख्य रूप से आदिम समाज में स्त्री और पुरुष के भेद पर किया जाता है। आदिम समाज हम जानते हैं कि वह समाज है जो जनसंख्या क्षेत्र, सामाजिक संपर्क की दृष्टि से बहुत छोटा होता है, एक निश्चित भूभाग में निवास करता है, और उसकी अपनी एक विशिष्ट संस्कृति और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संगठन होता है, और वो दूर दराज के दुर्गम पहाड़ी वनों में रहते हैं। और आदिम समाज में हम जानते हैं कि जो अर्थव्यवस्था होती है वो जीवन यापन की अर्थव्यवस्था होती है, जिसमें शिकार और खाद्य संकलन भी होता है, पशुपालन का स्तर होता है, कृषि का स्तर होता है, इस तरह के काम होते हैं। तो इस तरह के जो काम होते हैं वो सामान्यतया जेंडर के आधार पर वहाँ श्रम विभाजन होता है, आयु के आधार पर भी श्रम विभाजन होता है। बड़ी जिम्मेदारी वाले महत्वपूर्ण जो काम होते हैं बड़ी आयु के लोग करते हैं, और जो साधारण दूसरे काम होते हैं जहाँ बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता, तो वो कम उम्र के लोग करते हैं, और
जेंडर के आधार पर श्रम विभाजन इस तरह होता है कि प्राय स्त्रियां और बच्चे घर पर रहते हैं और जंगल से फल मूल कंद जंगल के उत्पाद है उनका संकलन करना, इस तरह का जो काम है वो स्त्रियां करती है। बच्चों की देखभाल करती है, घर को संभालती हैं, और पुरुष है वो शिकार का काम करते हैं, करते हैं या मछली मारने के लिए दूर दूसरी जगह जाते हैं। इस तरह इनमें श्रम विभाजन होता है। इसी तरह ये अपनी आर्थिक क्रियाओं की पूर्ति करते हैं, आर्थिक क्रियाओं को संपन्न करते हैं। एस्किमो जनजाति, अरुंडा जनजाति है, इसके उदाहरण हैं। वहाँ पर पुरुष है वो शिकार का काम करते हैं, स्त्रियाँ घर का काम करती है, घर पर जो ज़रूरी चीज़ें उनको बनाना, उनको तैयार करना, पोशाक बनाना, कंद मूल बनाना, उनसे दूसरी चीज़ें बनाना, या इस तरह के जो घरेलू काम है वो महिलाएं करती हैं। कभी कभी इन चीज़ों के अपवाद भी मिल जाते हैं देखने को, लेकिन जनरली मुख्य रूप से यही काम होते हैं। लेकिन ये कोई सार्वभौमिक पैटर्न नहीं है कि सभी जगह महिलाएं हैं वो ऐसा ही काम करती हैं, घर पर ही सीमित रहती हैं, और अधिक शारीरिक श्रम के काम पुरुष करते हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह की बहुत सारी जनजातियां हैं, जैसे चुपची एक जनजाति है जहाँ स्त्रियां वह पुरुषों से अधिक परिश्रम का कार्य करती है। इसी तरह दक्षिण भारत में तमिलनाडु में टोडा जनजाति है, उसमें जो भैंस और उसके दूध के आधार पर वो अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन स्त्रियों को उनसे दूर रखा जाता है क्योंकि ये उनके यहाँ एक टेबू है, एक निषेध है। वो भैंस को बहुत पवित्र मानते हैं, इसलिए स्त्रियों को उससे दूर रखते हैं। इसी तरह फिलीपींस की इफुगाओ जनजाति है, वहाँ भी पुरुष है जो फसल बोने का काटने का काम करते हैं, और स्त्रियाँ जोतने और उखाड़ने का काम करती हैं। इसी तरह ट्रोब्रियंड समाज में भी संपूर्ण जो खेती का कामकाज है उसमें स्त्री और पुरुष मिलकर काम करते हैं। तो सामान्यतया आदिम समाज में जो श्रम विभाजन है वो लिंग के आधार पर, जेंडर के आधार पर स्त्री पुरुष में बांट दिया जाता है, स्त्री पुरुष के आधार पर होता है। और कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं उनमें श्रम विभाजन आयु के आधार पर होता है। वरिष्ठ और बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका जनजाति में बहुत सम्मान होता है, इसलिए उनको जिम्मेदारी वाला, महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाला, गंभीर प्रकृति काम है, विपरीत परिस्थितियां जब आती हैं तो उस समय अधिक आयु के व्यक्ति हैं वो उसमें पहल करते हैं, निर्णय लेते हैं, और कम आयु के लोग हैं उनके साथ रहते हैं, उनका सहयोग करते हैं। तो इस तरह आदिम समाज में श्रम विभाजन स्त्री पुरुष के परस्पर अधिकार और कर्तव्यों को भी सुनिश्चित करते हैं। जूनी जनजाति में भी इस तरह होता है। भारत और राजस्थान की जो जनजाति हैं उनमें भी हम यही स्वरूप देखते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ है कि श्रम विभाजन की जो ये अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण बात है, अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी है ये औद्योगिकरण से भी बहुत प्रभावित हुई है। भारत के उन जनजातीय क्षेत्रों में जहाँ आसपास उद्योग धंधों का विकास हुआ है वहाँ ये देखा गया है कि पुरुष है वो और महिलाएं वो उन खदानों में या उन औद्योगिक इकाइयों में या उनसे जुड़े हुए जो शारीरिक श्रम वाले काम हैं वो काम भी करने लगे हैं, उनको रोजगार भी मिला है। और ये जो श्रम विभाजन का स्वरूप है इसमें बदलाव भी आया है। लेकिन प्राय हम देखते हैं कि भारत और राजस्थान की जो जनजातियाँ हैं उनमें महिलाएं जो घर पर रहती हैं, घर को संभालती हैं, और जो घरेलू काम है टोकरी बनाना, सूत बनाना, रस्सी चटाई बनाना, या जंगल के जो उत्पाद हैं उनसे चीज़ें बनाना, उनका संकलन करना, फिर स्थानीय बाजार तक भी उनका संपर्क बढ़ गया है, वहाँ वो लाकर उनको बेच भी देते हैं इस तरह। और पुरुष प्राय कठिन परिश्रम वाले काम करते हैं, शिकार करते हैं, खेती का काम करते हैं, उस जो मुस अधिक कठिन परिश्रम वाला काम होता है वो करते हैं। तो ये श्रम विभाजन का एक सार रूप में विवेचन है जो आदिम समाज में पाया जाता है। आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता का एक महत्वपूर्ण आधार है। इसके बाद में आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशील का जो दूसरा महत्वपूर्ण आधार है वह है उत्पादन। उत्पादन का यहाँ पर तात्पर्य है कि आदिम समाज में जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं के लिए
आदिम समाज द्वारा खाद्यान्न और अन्य जरूरी चीज़ों का जो उत्पादन किया जाता है वह उत्पादन कहलाता है, और वह खाद्य संकलन से बिल्कुल अलग चीज़ होती है। प्राय आदिम समाज में हम देखते हैं कि शिकार करके, मछली मारकर, या स्त्रियां जंगल से फल फूल कंद मूल साग इस तरह की चीज़ें वो एकत्रित करती हैं। ये संकलन है, उत्पादन ही है। उत्पादन का तात्पर्य ये जब जनजातियाँ है वो पशुपालन के माध्यम से कृषि, पशुपालन भी करती हैं, कृषि का कार्य भी करती हैं, और उस स्थिति में वो खाद्यान्न का उत्पादन करती है, फल सब्जियों उनका उत्पादन करती है, तो यह उत्पादन होता है। यह आर्थिक दृष्टि से उत्पादन कहलाता है। और दूध और दूध से भी वो दूसरी चीज़ें बनाते हैं, तो इस ये चीज़ें उत्पादन है, और इसमें वो अपने और अपने परिवार की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं, और समुदाय के प्रति अपनी जिम्मेदारी को भी महसूस करते हैं। इसलिए उनका जो उत्पादन है वह व्यक्ति, परिवार और समुदाय तीनों के लिए होता है, और इसमें व्यक्ति, परिवार और समुदाय तीनों सम्मिलित होते हैं, और संपूर्ण समुदाय के प्रति अपने कर्तव्य निभाने की भावना इनके आर्थिक क्रियाओं का मूलभूत आधार होती है। और मुखिया और जो प्रमुख व्यक्ति होता है उसको भी चूँकि उत्पादन कार्य में भाग लेना पड़ता है, शारीरिक श्रम करना पड़ता है, और लेकिन उसे चूँकि वो बहुत ही सम्मानित पद होता है, उसका बहुत आदर किया जाता है, इसलिए उसको अपेक्षाकृत कम श्रम करना पड़ता है। और इनकी जो आर्थिक क्रियाएँ हैं उनके साथ जादू टोना, धार्मिक संस्कार, परंपराएं, इस तरह की चीज़ें भी जुड़ी रहती हैं। और भारत की कादर है, चेंचू है, कोरबा है, इस तरह की अनेक जनजातियाँ हैं जहाँ पर सब परिवार के सदस्य मिलकर शिकार करते हैं, मछली मारने जाते हैं, और स्त्रियाँ जो है वनों से फल फूल कंद साग इस तरह की चीज़ें एकत्रित करती हैं। इस तरह वो उत्पादन की इकाइयों के रूप में काम करते हैं, और एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अफ्रीका की एक लोंगो जनजाति है, वहाँ बड़े पशुओं का शिकार है, वो पुरुष मिलकर करते हैं, और उसमें स्त्रियां और बच्चे भी कई बार सहयोग करते हैं। इसी तरह माओरी जनजाति है, उसमें भी सामुदायिक रूप में उत्पादन और संकलन किया जाता है, और इनका जो उत्पादन होता है उसका मुख्य उद्देश्य अपने परिवार और समुदाय की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना होता है। वो अनावश्यक संग्रह के लिए उत्पादन नहीं करते हैं, और उत्पादन के उपरांत अगर अतिरिक्त खाद्यान्न या खाद्य पदार्थ या अनाज बच जाता है तो दूसरे समुदाय जिनके पास उसका अभाव होता है, जनजाति के दूसरे सदस्य जिनको उसकी ज़रूरत है वो उनको दे देते हैं। जूनी जनजाति में इससे भी बहुत बेहतर उदाहरण मिलता है। तो यह जो मुख्य रूप से मैंने आपके साथ बताया है वो शेयर किया आपके साथ, जो आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता है उसके जो आधार हैं उनमें श्रम विभाजन के बाद उत्पादन जो आधार है उसका सार आपके सामने प्रस्तुत किया है। और अब मैं समझता हूँ तो यह आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता के जो आधार हैं उनको हमने पढ़ा है। इसके बाद में अगले वीडियो में हम आदिम अर्थव्यवस्था की क्रियाशीलता के वितरण एवं उपभोग इन आधारों का विवेचन करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जो वीडियोज़ हैं इनको आप रेगुलर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, साथ साथ में अपनी किताब से भी पढ़ रहे हैं, और कोई भी आपका प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। कोरोना का संक्रमण निरंतर बढ़ता जा रहा है, इस COVID-19 जो पेंडेमिक है इसका हम सबको मिलकर सामना करना है। जो सावधानियाँ हैं, जो भारत सरकार, राज्य सरकार के निर्देश हैं उनकी पालना करनी है। अब हम बहुत चिंताजनक स्थिति से गुजर रहे हैं, इसमें हम सभी को सचेत रहने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, सावधानी रखने की ज़रूरत है, साथ ही अपनी पढ़ाई को भी पूरा समय देना है, अनुशासन में रहना है, इसी में हम सबके भलाई और खुशी निहित है। धन्यवाद।